हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे मेरे पीछे, मतलब आज थोड़ी सी धूप है। मेरे पीछे का मौसम देख रहे हो, धूप है थोड़ी सी, आज निकलेगी धूप गुड़गांव में। चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यार, आज मतलब जो हमारे बालकनी की तरफ जो गेट है ना, उसका हल क्या है मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देख लो गाइस, ये देखो, ये चीज़, ये ना बर्फ बर्फ जैसा सा पानी इतना जम रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सर्दी हो रही है, देखो जैसे बर्फ नहीं जम जाती है शीशों पे, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है। और वो तो थैंक गॉड हमने ना, जो हमारा डबल बेड अंदर वाले रूम में था, अंदर वाले रूम में जो था ना डबल बेड, वो हमने गैलरी में शिफ्ट कर लिया। और ये देखो मिटाने से नहीं मिट रहा, क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ से, ये देखो अंदर की तरफ से भी कितना पानी पानी जमा हुआ है ये। गाइस, तो अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया है अभी कि धूप निकलने वाली है, मे भी हो सकता है कि तेज धूप निकल जाए आज, क्योंकि सुबह सुबह भी 9 बजे है और धूप का ये हाल है, अभी निकल सकती है तो अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ सरफ और इजी डाल दिया था, तो यहाँ मैं कपड़े धोने के लिए लगा रही हूँ। आई होप धूप निकल जाए प्लीज़। और गाइस, मैंने अभी मनी प्लांट लगाना स्टार्ट किया था कुछ टाइम पहले, तो ये हो रहा है अच्छे से। और एक मनी प्लांट ना तुलसी जी का जो पेड़ होता है उसमें भी आ रहा है एक मनी प्लांट, ये देखो ये वाला, ये दिया हम रात को जलाते हैं तुलसी जी के आगे, तो इसलिए रखा हुआ है। और धूप दिखाती हूँ मैं आज, ये देखो धूप थोड़ी थोड़ी दिख रही है आपको, धूप थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन अभी हमारी बालकनी की साइड में नहीं आई है, आ जाएगी थोड़ी देर में, इतने हम कपड़े धोते हैं। ये जो बाहर सामने बिल्डिंग है, ये है माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग, जो गुड़गांव में रहते होंगे उनको पता होगा। तो अब मैं लगा रही हूँ अपने कपड़े धोने के लिए, कपड़े धो जाएंगे फिर इनको फैलाएंगे, जो घर का काम है वो भी करने वाली हूँ मैं अभी। देखो उस साइड, क्योंकि हमारी जो बालकनी है ना गाइस, वो वेस्ट की तरफ है, तो इधर की साइड जो धूप आती है वो आती है 12-1 बजे के आसपास आती है, 4-5 बजे तक रहती है, ठीक है। और चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस, यहाँ मेरा झाड़ू लगाने का काम स्टार्ट हो गया फिलहाल, और आप ये जो देख रहे हो, जो मेरा मोबाइल था वो इस टाइम बेड पे रखा था, और बेड पे काफ़ी सारा सामान था। एक्चुअली क्या है, हमने ना नीचे गद्दे बिछा रखे हैं, तो वो गद्दे मैंने अभी धूप में डाले हैं कि जब धूप आएगी तो उनमें थोड़ी सी धूप लग जाएगी, है ना। और फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ जो नीचे सामान पड़ा था जैसे टेडी बियर वगैरह, जो बच्चे खेल खिलौने फेंक देते हैं, वो सारे मैंने बेड पर रख दिए थे कि बाद में संगवाऊँगी। और अभी मैं नीचे लगा रही हूँ फिलहाल झाड़ू, और अभी मेरी रसोई बिल्कुल फैली पड़ी है, रसोई में मैंने कोई काम नहीं किया है। अच्छा, मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगी, हमने ना एक एनजीओ ज्वाइन किया है, उस एनजीओ के बारे में आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा। इसमें आपको बताती हूँ, एक ये जो आसमान फाउंडेशन है, एक अमेजिंग फाउंडेशन है जो हेल्प करता है रूरल बैकग्राउंड की। इनका जो मोटिव है इज़ टू स्प्रेड लव एंड दे कॉन्स्टेंटली पुट एफर्ट एंड लॉन्च कंपेनियन टू हेल्प द नीडी, ठीक है। एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है फॉर अ फील्ड ऑफ फैमिलीज, ठीक है। रूरल बैकग्राउंड में जो लोग हैं ये उनकी हेल्प करती है, और वुमेंस की जो एम्पावरिंग स्किल्स होती है जैसे स्टिचिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी मतलब उन्हें आता है, जो भी उन्हें आती है उनकी स्किल्स को मतलब और अच्छा बनाती है, ठीक है। और इसकी एक सेलिब्रिटी है जो जिन्होंने धूम मूवी से अपनी स्टार्टिंग की थी, आई थिंक उनका नाम है आरव चौधरी, वो भी इस एनजीओ से कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसकी बात क्या है, ये क्या बोलते हैं कि वी आर हायरिंग एचआर इंटर्न्स, बग्स क्या है इसके कि ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन देते हैं कंप्लीशन पे, और अगर आप एलिजिबल हो तो लेटर मिलता है आपको अप्रिसिएशन का, रिकमेंडेशन का, और जो वर्क एक्स्ट्रा बेस्ड एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मिलते हैं। टेन्योर इसका 45 डेज का है, 3 मंथ का है, अप टू 12 मंथ्स का है। और वॉट यू विल लर्न, रिक्वायरमेंट एंड स्क्रीनिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैनेजर स्किल्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब इसके क्या है, इन्होंने बोला है कि व्हाट यू विल लर्न, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। बेसिकली मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, और ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, कभी आपको लगे कि ये स्पॉन्सर्ड है, नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ठीक है। और यहाँ मेरा झाड़ू लगाने का काम खत्म हो गया है, लास्ट दोनों कमरों में मैंने लगा लिया था, यहाँ की वीडियो बनानी थी तो मैंने यहाँ की जस्ट वीडियो बना ली है, और अब मैं अपनी रसोई थोड़ा सा संवाऊँगी इतना काम करने के बाद। तो आई होप आपको मेरा अभी तक का ये वीडियो अच्छा, थोड़ा सा कोल्ड हो गया गाइस। आज बनाए थे मैंने आलू टमाटर, आलू मटर टमाटर, और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तभी मॉर्निंग रूटीन चालू हो गया, ठीक है। सफाई वगैरह भी हो गई है और खाना वाना भी बना लिया है, वैसे एक बार बेबी उठ जाए तो उसको भी खाना खिला के उसको रेडी करते हैं, फिर नीचे धूप में लेके जाएंगे। देखो अगर धूप अच्छी निकली तो नीचे लेके जाऊंगी, वरना नहीं लेके जाऊंगी।
और पूजा वगैरह हो गई है, मैं भी नहा धो ली हूँ जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा ऑफकोर्स। और आपका होगा स्वेटर नहीं पहना है, इतनी सर्दी हो रही है, ब्लॉग बना रही है, सर्दी हो रही है, स्वेटर नहीं पहना है। गाइस स्वेटर इसलिए नहीं पहना है क्योंकि आपको भी पता है कि जो डेली डेली रूटीन में जो काम होते हैं सुबह सुबह के या शाम के, उसमें जो हाउस वाइफ होती है वो स्वेटर नहीं पहन के काम करती है, ज्यादातर नहीं हो पाता क्योंकि स्वेटर गीला हो जाता है। और बेबी जस्ट उठने ही वाली है तो मैं आपको पहले बेबी से मिलाती हूँ किस तरह से वो सो रही है। ये देखो गाइस कैसे सो रही है, ये बेचारी ने अपने हाथ को ही दूध समझ लिया होगा शायद, अभी थोड़ी देर पहले से दूध पिलाया था क्योंकि जग गई थी, तो इसलिए दूध पिला के इसको दोबारा सुला दिया था। तो ये इस साइड से ना करिए, इसलिए हमने यहाँ पे तकिए लगा रखे हैं, राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे तकिए लगा रखे हैं, और राइट साइड पे तो दीवार है ही, तो वहाँ से तो कहाँ ही जाइए। देखो तकिया, और दूसरी साइड भी मैं रख देती हूँ। चलो तो गाइज़ ये तो था मेरी अभी सुबह का काम, और ठीक है थोड़ा सा और जो अपडेट आपको देनी थी वो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बिना मत जाना। थैंक यू, बाय।